Hola amigos and welcome back to the channel once again and first of all I'm really sorry कि इतने महीनों के बाद अंतराल के बाद मैं हाजिर हूँ वीडियोज़ लेके बट जो आप ये देखने वाले हैं एक सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स आ रही है पूरी एंड दैट इज़ बेस्ड अपॉन माई मैरिज स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री वेडिंग शूट जहाँ पर हम गए थे सो आई होप यू विल लाइक द वीडियोज़ द सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स तो बहुत मेहनत करी है मैंने सो अगर आपको अच्छी लगे कुछ लोगों ने अटेंड भी किया ये मैरिज सो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डू गिव अ लाइक एटलीस्ट एक लाइक ज़रूर देना हर बंदा और कमेंट भी करिए आपको अगर अच्छी लगती है शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ एंड मैंने कोशिश करी है कि आप सब लोग अटैच्ड फील करें इस वीडियो को देख के कि एज इफ़ यू आर प्रेजेंट इन दिस मैरिज सो थोड़ा सा मुश्किल टास्क था कि खुद की शादी में खुद ही व्लॉग करना कुछ कुछ जगह पे मैंने सिंपल क्लिप्स ही डाली हैं जहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाया बट मेरी जगह किसी और ने शूट किया है थोड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको हर वीकेंड पे दो व्लॉग्स देखने को मिलेंगे सैटरडे एंड संडे सो आई रियली होप कि आप लोगों को पसंद आएगा और अभी ट्यून इन करिए ये फर्स्ट व्लॉग को Hello everyone and welcome back to the channel. After a long, long time, first of all, I'm really sorry. I promised in the last video कि मैं regular videos बनाऊँगा, shorts भी बनाऊँगा, but I couldn't spare much time. But जो reason आप सुनेंगे कि क्यों time spare नहीं कर पाया, that is कि yes, I'm getting married next month. By the way, today is 14th of Jan 2022 and अभी बज रहे हैं रात के 10 and tomorrow I'm gonna leave for my pre-wedding shoot. टू ऋषिकेश सो इसीलिए आप हम बींग एन इंडियन आप समझ सकते हैं कि शादी इज़ अ प्रोजेक्ट फॉर इंडियंस सो अभी पता नहीं कोरोना फिर से ओमिक्रॉन वेरियंट फैल रहा है तो आई डोंट नो वट वुड बी द सिनेरियो इन फैक्ट बट स्टिल तैयारियाँ तो चली रही हैं तैयारियाँ करनी पड़ेंगी वी कॉन्ट प्रडिक्ट द फ्यूचर बट टमोरो इज़ अ स्पेशल डे ऑब्वियसली बिकॉज प्री वेडिंग के लिए जा रहे हैं हम लोग सो अभी पैकिंग डन है और पैकिंग आपको दिखाता हूँ मैं अगर दूसरे रूम में चलेंगे ऑलमोस्ट डन है ये मेरा ब्रीफकेस स्ट्रॉलर बोल सकते हैं वो फुटवेयर्स हैं ये मैंने सुबह डालने के लिए कपड़े निकाल के रखे हैं ऑलमोस्ट डन मॉम मेरी अभी भी लगी हुई हैं पैकिंग करने के लिए सो अभी नींद आ रही है मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना है सो मिलते हैं फिर सुबह बहुत सारी बातें करते हैं शूट पे भी अगर टाइम मिला क्योंकि ये मेरी खुद की वेडिंग का प्री वेडिंग शूट है सो आई डोंट नो कि मैं शूट कर पाऊँगा कि नहीं बीच में इतना टाइम स्पेयर होगा कि नहीं बट डेफिनेटली अगर कुछ भी ऐसा होगा तो आई शूट फॉर यू गाइज एंड स्पेशल नाराज़गी है मुझे यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा राहुल एंड ऋषि से मेरे कज़न्स हैं उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम चलेंगे आपका व्लॉग शूट करेंगे बट वो गाइस नहीं आ रहे हैं सो इट्स मी माय मॉम एंड माय डैड जो जा रहे हैं और ऑब्वियसली माय फियांसे शी विल मीट देयर तो सी यू टुमारो अभी सोते हैं गुड मॉर्निंग गाइस टुडे इज़ द नेक्स्ट डे एंड टुडे इज़ 15th ऑफ जैन And today is Indian Army Day, so a big salute to all the army men. And secondly, today is also an important day because today is my birthday. So happy birthday to me. My mom is ready. Happy birthday, Dipi. Thank you. और luggage is also ready. और हमारी taxi भी आ गई है. आप देख सकते हैं cab आ चुकी है हमारी. So अभी हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए. रस्ते में अपडेट करते रहेंगे आप सो वी हैव टुक आवर फर्स्ट ब्रेक ब्रेकफास्ट ब्रेक अभी बज रहे हैं 8 और ये मेरे भाई का शहर है कैथल धर्मवीर बाद में देखेगा तो बोलेगा कि आया क्यों नहीं ब्रेक में फॉर ब्रेकफास्ट हाँ ब्रेक फॉर ब्रेकफास्ट अभी जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो
फॉग बढ़ती जा रही है, शायद 4-5 घंटे और लगेंगे, तो पेट पूजा करते हैं उसके बाद मिलते हैं। शायद कैमरा में फॉग इतनी नहीं लगेगी बट फॉग है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं पापा कोट के ऊपर लोई जिन्हों कहने आप लोई ओढ़ ली है पापा ने, क्योंकि ठंड अभी बढ़ रही है, पहले इतनी ठंड नहीं थी। परौंठे पेलने के बाद हम लोग फिर से जा रहे हैं, एक बार फिर टेम्परेचर चेंज होगा और फिर से मुझे ठंडी चढ़ कर कैमरा ऑन होते ही पापा ने लोई उतार दी है उसे टुडे मार्क्स द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ काउंटडाउन टू माय मैरिज। प्री वेडिंग, हाँ प्री वेडिंग है, वो तो मैं बता चुका हूँ पहले। लेट्स गो। सो वी हैव स्टॉप फॉर सेकेंड ब्रेक, वॉशरूम ब्रेक, और मॉम डैड गाड़ी में ही बैठे हैं, वो बाहर ही नहीं आना चाहते क्योंकि ठंडी इतनी है। अभी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया यमुना नगर और रादौर भी एक स्टेशन आया था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो कि रादौर कोई स्टेशन है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था आज से पहले। आगे मुझे दिख रहा है टोल एंड फॉग, आप देख सकते हैं सुबह जब हम चले तो फॉग नहीं थी लेकिन अभी इतनी फॉग है, और स्पेशली वॉशरूम जाने के बाद जब हाथ धोते हैं तो ठंडा पानी का लगता है और ज़्यादा ठंड लगती है। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे कहीं लिखा नहीं हुआ कि कौन सा स्टेशन है बट शायद सहारनपुर इसके बाद आएगा मेन स्टेशन, सहारनपुर पहुँचने वाले हैं हम, उसके बाद 2 घंटे शायद और लगेंगे बाय रोड। सो स्टे ट्यून्ड। वी हैव रीच्ड आवर फर्स्ट लोकेशन, अभी पहला शॉट अभी देना है, वो हमारी पीछे टीम है, टीम दिखा। थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है लेकिन इट फील्स लाइक अ स्टार। ओके सो दिस इज द शूटिंग टीम और इन्हें सपोर्ट करने लोकल सपोर्ट हमारी डिस्कवरी चैनल से। ये हमारी टीम है और ये हमारा स्टाफ पर्सनल, देखना इधर